पानी गंदे गंदे पानी हैं से हमारे घर में चार है, चलने को नहीं आते, बच्चे को खेलने को नहीं आते। इनको ये भी पता नहीं है यहाँ पर काउंसलर कौन है, क्योंकि इन्होंने आज तक काउंसलर को देखे नहीं, खाली वोट डाल के आ गए हैं। अब हम विधायक एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का जायजा लेके जल्द से जल्द इनके रोड नाली समस्या जो भी है इनको हल किया जाए। और टू मास मीडिया बिदर, आज हम मयूर के वो पुराने शहर गांधीनगर में आए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पर पीछे आप बैक साइड गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल के बैक साइड देख सकते हैं। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन के तैयार है पूरी तरह से। यहाँ पर कोई CMC कर्मचारी आके यहाँ पर चेक नहीं करता, ना कोई यहाँ पर मौजूदा जो काउंसलर हैं उन्हें भी नहीं आते, जो इलेक्शन लड़ चुके हैं उन्हें भी नहीं आते। ऐसा हुकूमत का पैसा, हुकूमत का टैक्स जब पब्लिक पेड करती है तो अपनी आवाम की सर्विस कैसे करती है? आवाम को जब तक अपनी हक की सर्विस नहीं मिलती है तो किसके पास जाएंगे आवाम? हम मास मीडिया सैयद मुजीब रिपोर्टर गुजारिश करता है बिदर MLA साहब से, यहाँ पर सर यहाँ पर बताइए, कैमरामैन सर यहाँ पर बताइए कि ऐसा लोग जिएंगे कैसे? नाली का पानी ऊपर से आता है नीचे और आके यहाँ घर में घुस जाता है, और यहाँ पर सबसे यहाँ पर नाला भी एक मौजूद दिख रहा है यहाँ पर आगे आगे ये सर, ऐसा नाले में गंदगी में लोग रहेंगे कैसा? और बार बार CMC को कंप्लेंट देने के बाद भी यहाँ पर नाले की ऊपर से सफाई होती है। लोगों यहाँ के गांधीनगर के लोगों की शिकायत है, यहाँ पर जो जानवर आए जानवर उस जानवर को यहाँ से हटाया जाए, और हमारी भी ये शिकायत है कि उनके लिए फार्मिंग की जाए। जो जानवर यहाँ फिर रहे हैं उसका जानवर का हम नाम नहीं ले सकते, आप तस्वीरात में देख सकते हैं कि जानवर की अलग से फार्मिंग की जाए। और हम यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ के पब्लिक को राहत दी जाए, और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तकलीफ़ात हैं, और गर्ल्स से भी हम आगे जानेंगे जब तक स्कूल चालू होते हैं यहाँ पर। अब हम जब न्यूज़ लेने आए हैं यहाँ पूरा स्कूल तो बना है, कोई नहीं बोल सकते, पूरी यहाँ गवर्नमेंट की बिल्डिंग पूरी जो 13 लाख चिल्लर रुपीस में 2017 और 2018 की स्कीम के तहत जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है। जो दूसरी जगह अगर सहूलत दे सकते थे मगर ये कोई बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, बना के मतलब नहीं है। और पुराने बिल्डिंग का बनको तैयार है मगर वो बिल्डिंग का पैसा आप यहाँ के घर के नाली रोड नल पानी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते थे। हम यही गुजारिश करते हैं MLA बिदर रहीम खान साहब से कि आके यहाँ पर सब जगह आप जा रहे हैं विजिट कर रहे हैं, यहाँ भी बिदर गांधीनगर मयूर में आके यहाँ के लोगों का जायज़ा कीजिए और जानिए कि लोगों की क्या क्या परेशानी है, और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोग अम्मा लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या परेशानी है और कितने साल से आप रहते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर नाली का पानी जो इनके घर में मौजूदा जा रहा था वो उस लेडीज से हम जानते हैं, उनके यहाँ पर पानी जितना भी पानी आ रहा है यहाँ पर उतार दिख रही है, यहाँ पर रोड की भी सहूलत नहीं है, जो भी रोड से पानी आता है पूरा इनके घर में घुसता है। हम यहाँ की लेडीज से जानेंगे कि यह बात सही है, बोलिए बताइए मैडम। हाँ सही है, पूरा पानी गंदे गंदे पानी है से हमारे घर में चाह रहे, चलने को नहीं आते, बच्चे को खेलने को नहीं आते। हमारे को पानी नहीं है बेटा, जानवर पूरे हमारे घर में आको फिर को जा रहे हैं, बाड़े में पूरा फिर को जा रहे हैं जानवर ना। पिछले साल से देख रहे हैं आप? अब हम नहीं बोले तो भी, मैं यहाँ को बरगाल के जब से 50 साल हुआ मैं यहाँ को, अब मेरी उम्र 80 साल की है, अब तक भी मैं ये परेशानी गुजार रही हूँ। मैं तो यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लीडर वगैरह कोई आपको आपको नहीं देखे नहीं पूछे करना है, नहीं, नहीं, बनाना है, कुछ भी नहीं, वो क्या नहीं करे कौन नहीं करे। इनसे जानते हैं यहाँ पर इनको क्या क्या परेशानी पेश आ रही है, बताइए अम्मा क्या क्या परेशानी है आप? एक नीर बरता रही माड़ी नीर ओले दिले नाली नीर आ नीर एल इले बरता है, कहीं गेट मुस दे घोड़ा बरता वड़ा गज नीर बरता है एल बरता इले तोल तोल गली से वास नड़ी बरता इले रहा ಮನೆ ಬರೋದೇನು ಈಗ ಇಲ್ತಾನ ಬರ್ತಾವ ಬೀಟ್ ಬಿಸಿಲು ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಇರ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಢೇಣ ಢೇಣ ಇರ್ತದ ಪೂರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಯಾ ಪರ ಜೋ ಕೌನ್ಸಲರ್ ಸಾಹಬ್ ಯಾ ಪರ ಅಬ್ ಅಬಿ ಬಿ ಜೀತೆ ಹೈ ಯಾ ಪರ ವಿಜಿಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆತೆ ಹೈ काम कर रहे हैं कुछ यहाँ पर जो काउंसलर यहाँ पर जीते हैं जो गांधी नगर मारते मारते यार भी बंदी ले लाकड़े हो तरह नोट तरह हो तरह यार भी बंदी मारते हैं नोट तरह हो तरह। काउंसलर साहब का नाम क्या है वो तो पता है आपको? वो तिल रही यार तरह ना मैं इनको तो
इनको ये भी पता नहीं है यहाँ पर काउंसलर कौन है, क्योंकि इन्होंने आज तक काउंसलर को देखे नहीं, खाली वोट डाल के आ गए हैं। अब हम बिदर MLA साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोगों का जायज़ा लेके जल्द से जल्द इनके रोड नाली समस्या जो भी है इनको हल किया जाए। और क्या समस्या हमें यहाँ पर बोलिए बताइए। अरे हादी नडी बरल धाटला बरल नाली गोजिना काल कटी बरबे कत।